दोस्तों, आई एम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ IBO 6। हमारा जो सब्जेक्ट है इंटरनेशनल बिजनेस फाइनेंस, उसकी एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। पेपर एक्सपेक्टेड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और ये जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है ये है चैप्टर 15 का, और जो है चैप्टर 15 की ये पार्ट 3rd है। चैप्टर 15 के दो पार्ट ऑलरेडी मैंने अपलोडेड कर दिए हैं। जो चैप्टर 15 है वो है आपका इंटरनेशनल कैश मैनेजमेंट। जिन्होंने वो प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे, अगर वो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा मैं वीडियो के एंड में आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आपका वो वीडियोस आपको मिल जाएंगी। जस्ट आप क्लिक करके चाहें तब भी आप उन पार्ट्स को देख सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है अभी का हमारा, वो है सेंट्रलाइज कैश मैनेजमेंट का एक एडवांटेज, और वो टेक्निक हम डिस्कस करेंगे जो कि है पूलिंग टेक्निक, ठीक है। तो सेंट्रलाइज कैश मैनेजमेंट जो है उसकी पूलिंग टेक्निक डिस्कस करेंगे, और ये उसका सेंट्रलाइज कैश मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, ठीक है। बहुत अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले याद दिला दूं, हमारा जो मिशन है दैट इज़ 70% और मोर इन अपकमिंग एग्जाम्स। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा स्ट्राइव करना है हार्ड, एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। आई वॉन्ट यू गाइज टू डू एंड गिव योर बेस्ट इन दी एग्ज़ाम, ठीक है। तो आप स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है पूलिंग से रिलेटेड। तो आपका मेजर जो क्वेश्चन आएंगे पेपर में, या तो हो सकता है आपसे डायरेक्टली पूछेगा कि व्हाट इज़ पूलिंग और एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड कैश मैनेजमेंट, जिसमें आपको पूलिंग एक्सप्लेन करना पड़ेगा, या फिर व्हाई पूलिंग इज़ डन। तो कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन, एंड यू शुड बी प्रिपेयर फॉर इट। तो इसमें जो वीडियो है इसमें मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करे हैं, जो कि आपके एक अच्छे आंसर फ्रेम करने के लिए काफ़ी होंगे। तो आप प्लीज़ अपना पूरा फोकस दीजिएगा इस वीडियो में, ठीक है। सो दोस्तों, पहला डायग्राम आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। तो पूलिंग क्या होता है, तो बेसिकली आपको बता दूं दोस्तों, ये होती है आपकी एक सेंट्रलाइज्ड कैश मैनेजमेंट की एडवांटेज, ठीक है। सेंट्रलाइज्ड कैश मैनेजमेंट क्या होता है, ये बेसिकली आपका मल्टीनेशनल कंपनीज से डील करता है। तो आपको पता होगा मल्टीनेशनल जो कंपनीज होती हैं उनकी एक पैरेंट कंपनी होती है, यानी कि आपकी हेड ब्रांच या हेड ऑफिस, और उनकी कई सारी सब्सिडियरी कंपनीज भी होती हैं, ठीक है। तो जब आपकी जो पैरेंट कंपनी है वो हैंडल करती है आपके सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस आपके जो सब्सिडियरी कंपनीज के होते हैं, तो ऐसे आपके मैनेजमेंट जो होते हैं कैश के या फिर आपके ट्रांजैक्शंस के, तो वो आपके कहलाएंगे सेंट्रलाइज्ड कैश मैनेजमेंट। तो इन सिंपल टर्म्स आप बोल सकते हो कि सेंट्रलाइज्ड कैश मैनेजमेंट क्या होता है। ये बेसिकली आपका जो कैश मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जिसमें आपकी जो पैरेंट कंपनी है वो सारे कैश मैनेजमेंट के ट्रांजैक्शंस क्या करती है, अपने सब्सिडियरी कंपनीज के हैंडल करती है। तो आपके जो ट्रांजैक्शंस होते हैं कैश मैनेजमेंट से रिलेटेड, वो क्या होते हैं, आपके डील किए जाते हैं एट अ सेंट्रल लोकेशन। तो आप अगर डिटेल में जानना चाहें तो मेरी प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने एक्सप्लेन करा था सेंट्रलाइज्ड कैश मैनेजमेंट के बारे में, और इसके अलावा दो अदर टेक्निक्स जो थी नेटिंग एंड करेंसी डाइवर्सिफिकेशन, उनको एक्सप्लेन किया था। और बात करेंगे पूलिंग का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों, पूलिंग का मतलब होता है कोई भी चीज़ इकट्ठी करना। तो अभी हम बात कर रहे हैं कैश मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो कैश मैनेजमेंट में पूलिंग का मतलब होगा कि आपका जो कैश है वो आप एक सेंट्रल लोकेशन पर कलेक्ट करके रख रहे हैं, ठीक है। सो पूलिंग अकर्स व्हेन कैश is held and managed in a central location, which is only possible when centralized cash management system is used. सो जो हमारी पूलिंग टेक्निक होती है, इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली जो सारे का सारा कैश होता है आपके सब्सिडियरी कंपनीज का, वो क्या करा जाता है, आपका हेल्ड किया जाता है और मैनेज किया जाता है एट अ सेंट्रल लोकेशन। अगर सेंट्रल लोकेशन की बात करूं तो वो होगी आपकी पेरेंट कंपनी, ठीक है। और जो आपका ये पूलिंग टेक्निक है या पूलिंग मैथड है, ये आपका सिर्फ पॉसिबल हो सकता है सेंट्रलाइज्ड कैश मैनेजमेंट के सिस्टम के केस में, ठीक है। आपकी अगर कोई भी MNC मल्टीनेशनल कंपनी डिसेंट्रलाइज्ड कैश मैनेजमेंट सिस्टम फॉलो कर रही है, तो उस केस में पूलिंग टेक्निक्स फॉलो करना थोड़ा टफ हो जाता है। इट मे बी लिटिल हार्ड फॉर यू नो द मल्टीनेशनल कंपनी टू यू नो यूज दिस पर्टिकुलर टेक्निक। तो आपको जो पॉइंट याद रखना है दोस्तों, पूलिंग इज बेसिकली अ टेक्निक विच is used in centralized cash management system, and it occurs when cash is held and managed in a central location, ठीक है। जब आपका कैश मैनेज और हेल्ड किया जाता है सेंट्रल लोकेशन पर, तो आपका क्या होता है, बेसिकली पूलिंग आपका जो मेथड है वो आप यूज़ कर रहे होते हो, ठीक है। तो आई होप ये पहला डायग्राम क्लियर होगा। तो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, ओके।
सो दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड आ चुकी है, तो लेट्स टॉक अबाउट इट. सो पूलिंग इज अ टूल और अ मेथड थ्रू विच यू कैन चेंज योर आइडल फंड्स इनटू वर्किंग कैश. तो दोस्तों पूलिंग की अगर बात करें तो आपका एक ऐसा टूल है या ऐसा मेथड है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपना जो आइडल फंड है, जो आइडल कैश है, उसको वर्किंग कैश में कन्वर्ट कर सकते हो. ठीक है, क्या होता है पूलिंग? पूलिंग इज़ अ टूल और मेथड थ्रू विच यू कैन चेंज योर आइडल फंड्स इनटू वर्किंग कैश. अब ऐसा कैसे पॉसिबल है, आई एम एक्सप्लेनिंग यू इन डिटेल दोस्तों. तो दोस्तों अगर मान लीजिए जो आपकी सब्सिडियरी कंपनीज है मल्टीनेशनल कंपनी की, एक कंपनी जो कि USA में एस्टेब्लिश है और जिसकी चार आपकी सब्सिडियरीज हैं, एक इंडिया में, एक चाइना में, एक आपकी कनाडा में और एक इंग्लैंड में. तो चारों अगर मान लीजिए अपना कैश मैनेज करेंगी सेल्फ, तो हो सकता है किसी सब्सिडियरी के पास आपका कैश ज़्यादा हो, किसी के पास कम हो. जिसके पास ज़्यादा हो और अगर वो अपना आइडली उसको रखेगी तो व्हाट विल हैपन, उसको कुछ भी नहीं मिलेगा. और दूसरी सिचुएशन में एक ऐसी आपकी सब्सिडियरी, मान लीजिए इंडिया की सब्सिडियरी, जिसके पास डेफिसिट है, उसको पैसों की रिक्वायरमेंट है अपने वर्किंग कैपिटल को मीट करने के लिए, तो वो उधार ले रही है. तो ऐसी सिचुएशन से डील करने के लिए जहाँ पर हमारे पास एक्सेस फंड ऑलरेडी अवेलेबल है और हम क्या करें, उसको यूटिलाइज करें टू हेल्प दी अदर सब्सिडियरी, तो ऐसे में पूलिंग टेक्निक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है. अगर आपकी मान लीजिए जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो पूलिंग, कैश पूलिंग का मेथड यूज़ करती है, जिसमें क्या है, सारा का सारा कैश मैनेज आपका पेरेंट कंपनी ही करेगी और जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा आपका कैश का, वो क्या कराएगी, अपने अकॉर्डिंग कराएगी. तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, बेसिकली आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कहीं ना कहीं ऑपरेशनल बेनिफिट गेन कर सकती है. ठीक है, तो आई एम श्योर ये पॉइंट आपको क्लियर होगा. तो दैट्स व्हाई यू कैन से कि पूलिंग इज अ टूल और मेथड थ्रू विच वी कैन चेंज आर आइडल फंड्स इनटू वर्किंग कैश. अब नाउ जो नेक्स्ट पॉइंट है इसका वो डिस्कस करेंगे डायग्राम का. पूलिंग इनेबल्स टू मिनिमाइज इंटरेस्ट एक्सपेंस बाय ऑफसेटिंग डेबिट एंड क्रेडिट पोजीशंस. तो हमारी डेबिट और क्रेडिट पोजीशंस जो होती हैं सब्सिडियरी कंपनीज की, उनको प्रॉपरली एनालाइज करके क्या करता है, जो हमारे इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है उसको कम से कम करने की कोशिश करता है ये मेथड. ठीक है, सो पूलिंग इज़ अ मेथड और अ टूल विच इनेबल्स टू मिनिमाइज इंटरेस्ट एक्सपेंस बाय ऑफसेटिंग द डेबिट एंड क्रेडिट पोजीशन. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, पूलिंग इज़ अ टूल और मेथड दैट इनेबल्स टू मिनिमाइज इंटरेस्ट एक्सपेंस बाय ऑफसेटिंग द डेबिट एंड क्रेडिट पोजीशंस. ठीक है, तो आई एम श्योर ये आपको पॉइंट क्लियर हो चुका होगा. नाउ लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट स्लाइड. ओके दोस्तों, थोड़ा सा पढ़ेंगे तो ये मैंने आपकी जो बुक है इग्नू की, उससे मटेरियल लिया है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड अबाउट इट. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें भी. सो पूलिंग अकर्स व्हेन कैश इज हेल्ड एज वेल एज मैनेज्ड इन अ सेंट्रल लोकेशन. तो पूलिंग जो आपका मेथड है वो अकर तब होता है जब आपका जो कैश है वो या तो आपका हेल्ड किया जाता है, मैनेज किया जाता है सेंट्रल लोकेशन पर, यानी कि आपके पेरेंट कंपनी सारे का सारा कैश हैंडल करेगी. The advantage of pooling is that cash needs can be met wherever they occur without having to keep a precautionary balances in each country. तो pooling method की वजह से आपका क्या होता है, जो आपके cash की need होती है आपकी subsidiary organizations की, वो आपका timely meet हो सकती है और आपको जो precautionary balances होते हैं हर country में establish या maintain रखने की ज़रूरत नहीं होती, and it is only possible because of pooling method. Uncertainties and delays in moving funds to where they are needed require that some balance to be maintained everywhere. But with pooling, a given probability of having sufficient cash to meet liquidity needs can be achieved with smaller cash holdings than if holdings are decentralized. So, दोस्तों अगर बात करें अगर आपकी multinational company centralized cash management system को follow करती है, तो उसमें वो पूलिंग टेक्निक के थ्रू क्या करेगी, आपकी जो अनसर्टेनिटीज़ होती हैं आपकी कैश फ्लो से रिलेटेड, कैश के मूवमेंट से रिलेटेड, वो मेट कर सकती है बाय यूजिंग दी पूलिंग टेक्निक्स. और पूलिंग टेक्निक्स में क्या होगा, जो भी आपकी सफिशिएंट कैश होगा उसकी एक प्रोबेबिलिटी एस्टेब्लिश कर सकते हैं और उस प्रोबेबिलिटी में क्या होगा, जो भी लिक्विडिटी नीड होगी वो इजीली अचीव की जा सकती है इवन बाय यू नो प्रोवाइडिंग स्मॉल कैश होल्डिंग्स. ठीक है, जो कि डिसेंट्रलाइज्ड कैश मैनेजमेंट सिस्टम में पॉसिबल नहीं है. सो द रीज़न पूलिंग वर्क्स इज दैट कैश सरप्लसेस एंड डेफिशिएंसीज इन डिफरेंट लोकेशंस डू नॉट मूव इन अ परफेक्टली पैरेलल फैशन.
Now, as a result, the variance of total cash flows is smaller than the sum of the variances of the flow for individual countries. तो पूलिंग टेक्निक की अगर बात करें तो ये टेक्निक वर्क इसलिए कर पाती है क्योंकि मान लीजिए अगर अलग अलग आपकी लोकेशंस पर कैश मेंटेन किया जाएगा तो जो वेरियंस होगा आपका वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू यू नो अगर कैश एक पर्टिकुलर लोकेशन पर एस्टैब्लिश किया जाएगा और सारी की सारी जो सब्सिडियरीज है उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. तो इससे जो आपका डिफरेंस होगा टोटल कैश फ्लो में वो कहीं ना कहीं क्या होगा आपके पूलिंग में आपके सेंट्रलाइज्ड कैश मैनेजमेंट के सिस्टम में आपका लेस होगा एज़ कम्पेयर टू डिसेंट्रलाइज्ड कैश मैनेजमेंट. And then if centralization occurs in a major international financial center such as London or New York, there are additional advantages in terms of a broader range of securities that are available, you know, and an ability to function in an efficient financial system. It is useful for a firm to denominate as many payments and receipts as its counterparties will allow in units of a major currencies and to have bills payable in a financial centers. So those जो आपकी लोकेशन होगी फिनेंशियल सेंटर की वो भी काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करेगी. अगर मान लीजिए आपका जो फिनेंशियल सेंटर इंटरनेशनली वो आपका लंदन या न्यूयॉर्क में होगा तो उससे आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है या आपकी मल्टीनेशनल कंपनी है उसको कहीं ना कहीं एडिशनल एडवांटेजेस मिलेंगे. ठीक है, आप कई सारी जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी फिनेंशियल सिस्टम में वहाँ के वो आप यूज़ कर सकते हो. ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों. अब मैं आगे अपने जो पर्टिकुलर डायग्राम्स हैं उनके थ्रू और एक्सप्लेन कर देता हूँ पूलिंग के बारे में और जो आपको काफ़ी ईजी रहेंगे एज़ कम्पेयर टू द लैंग्वेज विच इज़ यूज इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम. ठीक है, सो नेक्स्ट स्लाइड आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है दोस्तों. सो व्हाट डज इट से, पूलिंग अलाउज कंपनीज टू ऑप्टिमाइज लिक्विडिटी नेशनली और इन देयर रीजनल ऑपरेशंस बाय यूजिंग कैश सरप्लसेस टू ऑफसेट बोरोइंग नीड्स. ठीक है, तो पूलिंग बेसिकली क्या करता है, आपका एक कंपनीज को अलाउ करता है जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं वो अपनी जो लिक्विडिटी है उसको बढ़ा सकते हैं ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं नेशनली और इन देयर रीजनल ऑपरेशन या तो अपने नेशनल लेवल पर या फिर जो उनका रीजनल ऑपरेशन है उसमें. और ये ऐसा कैसे पॉसिबल कर पाते हैं, दे डू इट बाय यूजिंग द कैश सरप्लसेस. तो अपना जो कैश सरप्लस होता है उसको यूटिलाइज करते हैं अपनी बोरिंग नीड्स को डिक्रीज करने के लिए और ऑफसेट करने के लिए. नाउ बात करेंगे इसके सेकेंड पार्ट की, पूलिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट एडवांटेजेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड कैश मैनेजमेंट सिस्टम. तो पूलिंग टेक्निक की बात करें या पूलिंग मेथड की बात करें तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज या सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज होता है सेंट्रलाइज्ड कैश मैनेजमेंट सिस्टम का. ठीक है, सो पूलिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट एडवांटेजेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड कैश मैनेजमेंट सिस्टम एंड इट अलाउज कंपनीज टू ऑप्टिमाइज लिक्विडिटी नेशनली और इन देयर रीजनल ऑपरेशंस. ठीक है, it allows companies to optimize liquidity nationally or in their regional operations by using cash surpluses to offset the borrowing needs. ठीक है, ये लाइन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है बट याद बहुत ईजिली हो जाएगी कि पूलिंग अलाउज कंपनीज टू ऑप्टिमाइज लिक्विडिटी, टू ऑप्टिमाइज बढ़ाना अपनी लिक्विडिटी बढ़ाना, टू ऑप्टिमाइज लिक्विडिटी नेशनली और इन देयर रीजनल ऑपरेशंस बाय यूजिंग कैश सरप्लसेस, जो भी उनके कैश सरप्लस होंगे उसको यूज़ करके टू ऑफसेट दी बोरिंग नीड्स, अपनी बोरिंग नीड्स को क्या करते हैं वो कम करते हैं. ठीक है, तो आई एम श्योर ये डायग्राम आपको समझ आ चुका होगा. तो लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट स्लाइड. तो दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में आपका क्या मेंशन है कि बिकॉज ऑफ पूलिंग कैश नीड्स कैन बी मेट Wherever they occur without keeping precautionary balances in each country. तो दोस्तों पूलिंग मेथड की हेल्प के थ्रू आप क्या कर सकते हो, जो भी आपके कैश नीड्स होती हैं आपकी सब्सिडियरी कंपनीज की वो आप मीट कर सकते हो जब भी वो अकर होंगी. ठीक है, और इसके लिए आपको क्या है अपने जो प्रिकॉशनरी बैलेंसेस होते हैं हर कंट्री में मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती. तो अगर सेंट्रलाइज्ड कैश मैनेजमेंट सिस्टम आपका फॉलो हो रहा है और उसमें आप क्या करते हैं पूलिंग टेक्निक यूज़ करते हैं तो उसके थ्रू जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है कैश की आपके सब्सिडियरी कंपनीज़ की अलग अलग कंट्रीज़ में उनको टाइमली मीट किया जा सकता है विदाउट कीपिंग प्रिकॉशनरी बैलेंसेस. तो प्रिकॉशनरी बैलेंसेस का मतलब है कि आपका नेसेसरी बैलेंस मेंटेन
मेंटेन करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कहीं अगर घूमने जाते हैं तो अपने साथ में कैश लेके चलेंगे, कार्ड भी लेके जाएंगे, ठीक है। कैश इसलिए रखेंगे ताकि आपका, मान लीजिए कोई ऐसी प्लेस पर आप जाते हैं जहाँ पर आपके कार्ड यूसेज की फैसिलिटी ना हो तो आप डिजिटल पेमेंट नहीं कर पाएंगे, आपको कैश की रिक्वायरमेंट होगी। तो क्या इसी तरीके से जो आपकी सब्सिडरी कंपनीज होती हैं वो अपना कैश प्रिकॉशनरी कैश बैलेंस मेंटेन करके रखती हैं, बट पूलिंग के केस में आपका उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, आपको कोई भी कैश बैलेंस मेंटेन नहीं करना होता। जब भी आपके को आपकी सब्सिडरी कंपनी को कैश की रिक्वायरमेंट होती है वो आपकी पेरेंट कंपनी से डिमांड करती है, एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो डिमांड है कैश की वो मीट हो जाती है। तो फर्स्ट पार्ट इस स्लाइड का हम कंप्लीट कर चुके हैं, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड पार्ट ऑफ द स्लाइड। सो बिकॉज ऑफ पूलिंग द गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग सफिशिएंट कैश टू मीट लिक्विडिटी नीड्स कैन बी अचीव्ड विद स्मॉलर होल्डिंग्स। तो पूलिंग मेथड की वजह से आपकी क्या है, जो आपकी सब्सिडरी कंपनीज होती हैं वो अपनी जो लिक्विडिटी की नीड होती है उसको कैश के स्मॉल होल्डिंग्स के थ्रू भी क्या कर सकती हैं, मीट कर सकती हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई भी सब्सिडरी कंपनी है और उसके पास आपका कैश बैलेंस ज़्यादा मेंटेन नहीं है तो उस केस में भी आपकी क्या है, वो अपनी जो लिक्विडिटी नीड है यानी कि जो कैश की रिक्वायरमेंट है वो सफिशिएंटली मीट कर सकते हैं अगर पूलिंग मेथड यूज़ होता है उस पर्टिकुलर मल्टीनेशनल कंपनी में तो, ठीक है। अगर पूलिंग मेथड यूज़ नहीं होगा तो उस केस में आपका बोरिंग्स वगैरह करनी पड़ेंगी जो कि क्या होगी, कॉस्टली होगी, ठीक है। तो नाउ पूलिंग की वजह से क्या क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं, तो सबसे पहला है बिकॉज ऑफ पूलिंग कैश नीड्स कैन बी मेट वेयर एवर दे ऑकर without keeping a precautionary balance in each country, ठीक है। Because the pooling cash needs can be met wherever they occur without keeping precautionary balance in each country. And the second point is that because of pooling, the given probability of having sufficient cash to meet liquidity needs can be achieved with smaller holdings. Because of pooling, the given probability of having sufficient cash to meet liquidity needs can be achieved with smaller holdings. ठीक है, तो let's proceed to our next diagram. सो नेक्स्ट डायग्राम जो है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि फाइनल गोल क्या होता है पूलिंग का, ठीक है। सो द फाइनल गोल ऑफ पूलिंग इज़ टू ऑप्टिमाइज द कंडीशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कैश, ठीक है। तो जो फाइनल गोल होता है वो होता है पूलिंग का कि अपनी जो कैश है उसकी कंडीशन और उसके मैनेजमेंट को क्या करा जा सके, ऑप्टिमाइज़ किया जा सके। तो बेसिकली जो ट्रेजरीज होती हैं आपकी, यानी कि जो पूरा कलेक्शन होता है या फिर अमाउंट होता है जो कि सब्सिडरी कंपनीज़ का होता है, उसको ऑप्टिमाइज़ करना, उनकी कंडीशन को ऑप्टिमाइज़ करना और उनको मैनेज करना, यही काम होता है पूलिंग मेथड का, ठीक है। सो द गोल ऑफ पूलिंग मेथड इज़ टू ऑप्टिमाइज़ द कंडीशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कैश ऑफ द सब्सिडरी कंपनीज़ by overcoming the imperfections of the financial market. आप कैसे करेंगे, जो भी आपकी मार्केट की जो फाइनेंशियल आपका मार्केट होता है वो हमेशा परफेक्ट नहीं होता, उसमें फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं। तो जो भी आपकी इम्परफेक्शन होती हैं, फ्लक्चुएशंस होती हैं फाइनेंशियल मार्केट की, उसको ओवरकम करके और आपकी जो फाइनेंशियल कॉस्ट है उसको कम करके क्या करता है पूलिंग जो मेथड है वो आपके कैश की जो मैनेजमेंट है और कंडीशन है उसको ऑप्टिमाइज करता है। तो जो फाइनल स्टेटमेंट बनेगा यहाँ पर वो होगा द फाइनल गोल ऑफ पूलिंग मेथड इज़ टू ऑप्टिमाइज द कंडीशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कैश बाय ओवरकमिंग द इम्परफेक्शंस ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट विद लेस फाइनेंशियल कॉस्ट। तो कम से कम फाइनेंशियल कॉस्ट बियर करके क्या करना, जो आपके मार्केट की इम्परफेक्शन होती हैं उनको ओवरकम करना और अपने कैश के कंडीशन को और मैनेजमेंट को ऑप्टिमाइज करना, ये फाइनल गोल होता है पूलिंग मेथड का, ठीक है। तो आई एम श्योर ये समझ में आ चुका होगा। नाउ आई विल प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, और आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो अब नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि जो आपका पूलिंग मेथड होता है वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, कैसे आप अपने पूलिंग मेथड की इफ़ेक्टिवनेस बढ़ा सकते हो। सो इफेक्टिव पूलिंग ऑफ कैश डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी टू रिसीव डेटा रिलेटेड टू रिसीप्ट्स डिसबर्समेंट एंड बैलेंसेस इन अ टाइमली मैनर। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको इफेक्टिवली अपना पूलिंग मेथड यूज़ करना है तो उसमें आपका
कुछ पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स होंगी, कुछ इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होंगी जो कि अचीव करना इम्पॉर्टेंट है. तो इफ़ आई टॉक अबाउट द इफेक्टिव पूलिंग ऑफ कैश, इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू रिसीव डेटा. तो उस ऑर्गेनाइजेशन की आपकी एबिलिटी कितनी है आपके डेटा रिसीव करने की, कैसे और कितने आपका टाइम में वो आपका डेटा अचीव कर सकते हैं, और कौन सी डेटा चाहिए आपको. द डेटा रिलेटेड टू रिसिप्ट, डिस्पर्समेंट एंड यू नो टोटल बैलेंसेस इन अ टाइमली मैनर. तो ये सारी डेटा आपको रिक्वायरमेंट होंगी, यानी कि आपका कितना बैलेंस है एट दी एंड ऑफ यू नो पर्टिकुलर मंथ और अ पर्टिकुलर टाइम, कितना आपको रिसीव हो रहा है अमाउंट, कितना आप डिस्पर्स कर रहे हो. तो ये सारी आपकी जो डेटा है अगर टाइमली मैनर में मिलती हैं तो इससे क्या होता है, आपका जो पूलिंग मेथड है वो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जा सकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में. सो इफेक्टिव पूलिंग ऑफ कैश depends on the ability of the organization to receive data related to receipts, disbursements and balances in a timely manner. Effective pooling of cash depends on the ability of the organization to receive data related to receipts, disbursement and balances in a timely manner. Okay, so now let's proceed to our next diagram. नाउ दोस्तों बात करेंगे कि अब क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं कैश पूलिंग के. सो बेनिफिट्स ऑफ कैश पूलिंग, देर आर बेसिकली थ्री बेनिफिट्स विच वी आर डिस्कसिंग नाउ. सबसे पहला जो बेनिफिट है दैट इज़ सिंप्लीफिकेशन ऑफ कैश मैनेजमेंट थ्रू बैलेंस सेंट्रलाइजेशन. तो सबसे पहला जो आपका बेनिफिट होगा वो ये है कैश पूलिंग का, कि जो आपका कैश मैनेजमेंट होता है वो उसको काफ़ी सिंप्लीफाई कर देता है, और इसको सिंप्लीफाई करने के पीछे जो आपका बैलेंस सेंट्रलाइजेशन मेथड है वो होता है. ठीक है, सो द first benefit, the first and the foremost benefit of cash pooling is that simplifies the cash management of an organization through balance centralization. What does it do? It simplifies the cash management of an organization through balance centralization. So this is the first benefit of cash pooling. Now baat karenge second benefit ki. So the second benefit of the cash pooling is to decrease in the bank fees and financial costs. So jo hamara cash pooling method hai wo kya karta hai, डिक्रीज करता है आपकी बैंक फीस और डिक्रीज करता है आपकी फाइनेंशियल कॉस्ट. तो द सेकंड बेनिफिट वी कैन से ऑफ कैश पूलिंग इज दैट इट डिक्रीजेस द बैंक फीस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड आल्सो हेल्प्स इन कटिंग द कॉस्ट ऑफ कटिंग द फाइनेंशियल कॉस्ट यू नो दैट एन दैट एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव टू बॉर्न इफ they are not following the centralization cash management system and also not implementing the pooling technique. So second benefit kya hai, ye decrease karta hai aapki bank fees aur financial cost ko. Now third or important aapka benefit hoga cash pooling ka, that is the optimization of the control of subsidiary companies treasuries. So because of pooling method aapka kya kar pate hain, aapka jo subsidiary company ki treasuries hoti hain ya fir aapke funds hote hain, aap usko kya kar sakte ho, ऑप्टिमाइज कर सकते हो और उन पर एक बेटर कंट्रोल एस्टैब्लिश कर सकते हो. ओके, सो तीन बेनिफिट्स जो है कैश पूलिंग के. सबसे पहला है कि आपका जो कैश मैनेजमेंट है वो सिंप्लीफाई होता है थ्रू बैलेंस सेंट्रलाइजेशन. ओके, सो द फर्स्ट बेनिफिट इज द सिंप्लीफिकेशन ऑफ कैश मैनेजमेंट थ्रू बैलेंस सेंट्रलाइजेशन. सेकेंड बेनिफिट इज द डिक्रीज इन द बैंक फीस एंड फाइनेंशियल कॉस्ट. एंड द थर्ड इज द ऑप्टिमाइजेशन of the control of subsidiary company treasuries. ठीक है, तो इसके साथ ये वीडियो मैं यहाँ फिनिश कर रहा हूँ. हमने पूरा टॉपिक डिस्कस कर लिया, आई होप आपको काफ़ी ईजी लगा होगा. तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप अच्छे से इस पॉइंट को, जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस करे हैं आप ही उनको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर में इस टॉपिक के आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं. ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गाइज ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम. ओके, टेक केयर, बाय.